अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पीछे बच्चे की रोने की आवाज़ आई ना, आपको आ रही होगी नहीं आ रही होगी यार। हमारा ट्रिप रोजाना हमेशा ना इसी तरह शुरू होता है, कोई पिट रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, सबके अपने अपने मसले चल रहे होते हैं। अब आधे लड़के हम लोगों ने जाना था, कुछ छुट्टी कर चुके हैं, कुछ ने मना कर दिया है। बात वही है, जिन्होंने जाना होता है वही जा रहे होते हैं आखिर में, वो तीन चार लोग। तो अभी हम लोगों ने जो ट्रिप बनाया है उसमें हमारे पास एटलीस्ट सिक्स बंदे हैं जो कि हमारी क्लास की हैं। बॉयज़ ट्रिप जा रहा है इस पर क्लास का, और हमारे पास एक तो लायक लड़के क्लास छोड़ते ही नहीं हैं, क्लास लेके जा रहे हैं हम लोग। आज सैटरडे है, अब हम लोग क्लास लेंगे और उसके बाद हम लोगों ने फिर जाना है वो जगह है नगरी बाला। हम पहले जा चुके थे बट उसके बारे में यार काफ़ी रिच हिस्ट्री है उसके बारे में, कुछ सब उसकी पोलिटिकल एरिया के वाइज और मतलब वहाँ पर टेरिटोरियल वाइज बड़ी रिच हिस्ट्री है उसके बारे में। आपको वहाँ के मकामी लोग या मेरे दोस्त है जो वहाँ पे मकामी है वहाँ का, वो आपको ज़रूर बताएगा, लेकिन वो अच्छे तरीके से बता देगा मुझसे ज़्यादा ही। तो अदर दैन दैट हमने जो सेकंड जगह जाना है वो है हमारे पास मुशपुरी। मुशपुरी भी सुनने में आया कि बर्फ़ अभी तक है, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो बर्फ़ में ट्रैकिंग करेंगे इफ़ पॉसिबल। अगर नहीं है तो फिर हम आधे में से वापस आके आपको कुछ नहीं दिखाएंगे, और क्या कर सकते हैं अब हम। सो यस, अब ये हमारा प्लान है और होपफुली इट विल बी सक्सेसफुल। अस्सलाम वालेकुम यार, हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे। साहब भाई घर, आपको घर, उनको घर पहले मैंने दिखाया हुआ है पिछले व्लॉग में, अगर आपने देखना है तो ज़रूर देख लें कि साहब भाई भी साथ बैठे हुए हैं। अभी बस ये था यार, हमारी तरफ से तो घंटा एक दूरी है, तो हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे। बाकी हमारे कुछ जो अच्छे वाले भाई हैं शरीफ भाई, वो अभी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, क्यों क्या कर रहे हैं क्यों क्या। तो अभी जो तीन चार एक गंदे लोग हैं वो यहाँ बैठे मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो अब आपको थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन करवा देते हैं यार अपने दोस्तों का। ये पहली बात है, हमारे हैं सैफ भाई, सैफ अली। ये हैं लिटरेचर के स्टूडेंट हैं हमारे, हमारी क्लास में, सॉरी हमारे कॉलेज में वाइस बने हैं, जिन्होंने आठवें सेमेस्टर लिटरेचर लिया है। ये इजाज़ भाई हैं हमारे, इजाज़ भाई हेलो बोल दें। हेलो हेलो, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं आप। मैं इजाज़ रहमान हूँ जी जी, और कौन सी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें यार, इंग्लिश लैंग्वेज जो आती है उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे आप। होला, सॉरी शर्जील, सॉरी दे मंथरा, सॉरी एस्टुडियंटे दे लिंग्विस्टिका। कॉमो एस्टास तू? सॉरी मुय बिएन, ग्रेसियस। अच्छा, तो अब यार कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं इनके। जो ये नगरी बाला था, आपको मैंने सुबह आते हुए बताया था कि ये इसकी बड़ी रिच हिस्ट्री है, तो जिसके बारे में मुझे साहब भाई ने काफ़ी कुछ बताया हुआ था। तो अब उनसे पूछते हैं, और जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो तो लेटर ऑन हम देख लेंगे कहीं पे, वो और किसी घर में, तो वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। लेकिन अभी जो है हम लोग साहब भाई को पूछते हैं क्या हिस्ट्री थी और क्या थी। अब साहब भाई आप हमें डिटेल में बता सकते हैं। सबसे पहले किसी भी जगह की हिस्ट्री को जानने के लिए जो है आपको एक तो उसकी डेमोग्राफिक्स का पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है। ये जो बेसिकली ये एरिया है ये KPK का हिस्सा है, और KPK के 8 अजला आ जाते हैं, जिस और ये एबटाबाद जो है वो उसका एक हिस्सा है, और हम 36 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम एबटाबाद जो है ये गांव सिचुएटेड है।
तो गांव की कुछ हिस्ट्री के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस एरिया के बारे में बताता हूँ कि ये पॉलिटिकली कैसे लोग ऊपर आए या यहाँ पर रूल किस तरह रहा। ये बात कुछ इस तरह की है कि 320 BC अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पे टेक्सला के जो रीजन था इसमें आए, उसने फिर अपनी वो डायनेस्टी कायम की और ये एरिया उसके अंडर आया। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, हमारे पास 12th century आ जाती है मुगल दौर के अंदर। ये तकरीबन इसी करलाल कबीला जो सबसे बड़ी यहाँ की बरादरी है उसके अंडर यहाँ पे लोग रहे और 66 साल तकरीबन उनका दौरे हुकूमत रहा। और एक और ख़ास बात आपको ये बताता चलूँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट और ये मुगलिया ये दो सल्तनतें ऐसी थी जिसके अंडर यहाँ पे ये लोग रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई भी रूल कायम नहीं कर सका। उस रूल ना कायम करने की वजह ये थी कि यहाँ पर जो एरिया की जो डेमोग्राफिक्स हैं वो बहुत ही मुश्किल हैं। कोई भी इन्वेडर्स अगर आता है तो यहाँ पे लाइफ इतनी टफ़ है कि यहाँ पे आप इजीली किसी पे अटैक नहीं कर सकते। ये आपने जंगल मुख्तलिफ़ गलियाँ हैं जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को जो है शिकस्त दे सकें। फिर एक और 18th century का वाक़या यहाँ पर फेमस समंदरकठा एक जगह का नाम है। वहाँ पर जो है राजा हरि सिंह ने अपनी फ़ौजें भेजी थी और राजा रंजीत सिंह जो था वो बहुत ही पावरफुल लीडर था उस टाइम का। उसने अपनी फ़ौज भेजी और उसको वहाँ पर लोकल्स ने विदाउट एनी सपोर्ट एक्सटर्नल सपोर्ट उन लोकल्स ने ही उसको शिकस्त दे दी थी। तो ये कुछ तो यहाँ कर पॉलिटिकल सूरत हाल थी। फिर जब ये ब्रिटिशर्स आए तो फिर उन्होंने आके इस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत यहाँ पर चौकियाँ बना दी, जैसे बिरन गली है, जैसे बड़ा गली है, मरी का एरिया था, ये सारे कैंट्स के एरिया थे जहाँ पर ये ब्रिटिशर्स रहते थे। और नथिया गली लॉर्ड की जगह है ना, वहाँ पर जो एक गवर्नर हाउस जो है वो उनको ज़ेर असर था, वहाँ पे उनके बड़े वो रहते थे। और ये काफ़ी इसकी रिच हिस्ट्री से इलाके की इस वजह से भी है कि अगर आप इस एरिया में आना चाहते हैं और ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से अगर आप इसकी स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत रिच हिस्ट्री है यहाँ पर। यहाँ पर आपको यूबिया ट्रैक का आपको पता है, वो ट्रैक जो था वो उस टाइम पे बनाया गया था, उन्होंने ही बनाया। फिर आप डूंगा गली के अंदर आ जाएँ तो टैंक्स हैं जो उन्होंने बनाए थे और वाटर के इस पूरे इलाके को सप्लाई करने के लिए, और जो रिजर्व वाइज थे वो सिर्फ दो टैंक्स हैं और पूरे जो मरी तक एरिया का वो सप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद ये उनका फिर ये टनल रिसेंटली दरियाफ्त हुई है। टनल के बारे में भी आप मेरे ख्याल में गए हुए होंगे हमजा भाई, आपको पता है जाते रहते हैं। तो बहुत वो उन्होंने काफ़ी टाइम बाद उसको रिवाइव किया और लोग वहाँ पर सियाती मुकाम रिस्टोर कर लिए थे उन्होंने। और ये कुछ हमारे इस एरिया की हिस्ट्री थी। तो मेरे ख्याल में आपने इसको पसंद किया होगा, तो इंशाल्लाह और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो वक्त के साथ साथ आपको बताते रहेंगे। सर भी बताएं ब्रेसेस की तरह से लगवाए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि हम ऐसे थोड़े से अच्छे लोग हैं, हम शरीफ लोग हैं, लेकिन वो तो ना गंदी कन्वर्सेशन डालनी पड़ती है, वो थोड़ा सा फन डालने के लिए देखते ना। लोग देखते नहीं, ऊपर देखना भी इन लोगों को नहीं होता है, तो फिर ऐसी बातें ही ना हो बेचारा हिस्ट्री के तो बताते रहे। कुकिंग करने वाले हमारे ये बोले भाई, कढ़ाई खिलाने वाले थे हम लोगों को, वो दूसरे लाइन नहीं बैठे हैं, कढ़ाई एक्सपर्ट जो है इनका सब कुछ आता है। साथ इन भाई ने अपने कढ़ाई की फोटो भी दिखाई हुई है, तो इनको तो ज़्यादा बेइज्जती बनेगी इनकी। इनका इंतखाबी निशान जो शलवार है आज पता चलेगा उतरेगी या आज देखते हैं उतरती है या जीतती है। चलें जी मिलते हैं फिर आप लोगों को। तो बात क्या प्लान है उसके बाद? हम जाने वाले हैं जी, ये थोड़ा सा रोड साइड पे जाएंगे। हां वॉक करने मजे की मजे की जगह है ना, अब आए स्कूल थोड़ा चले फिरे हैं जरा। Here comes the four boys and the drone as well. Woo!
ये जी अब हम लोग साहब भाई के प्लान के मुताबिक हम लोग यहाँ पे अब जंगल में बैठे हुए हैं। ये चांद नजर आ रहा होगा आपको ऊपर। इर्तजा भाई ने कहा मैं तो जाता ही नहीं हूँ आगे। साहब फिजान भाई भी थोड़ा से खत्म। ये जो शर्जील भाई हैं, शर्जील भाई अपने आप पे लाइट लगे तो ये शर्जील भाई हैं, शर्जील भाई फुल डिटरमेंट, ये भाई डिटरमेंट, ये भी तो तीन तीन डाय हो गया। तीन हाँ तीन नहीं चार चार डिटरमेंट है, चार डिटरमेंट है, दो दो वो लोग वापस जाते हो। हाँ जाते हो। ये जी जंगल में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि टॉप है यहाँ पे, हम टॉप नजर नहीं आ रहा, वो बात अलग है। उस टॉप पे जाना है अब हमने, रास्ता मार नहीं यार, टॉप पे जाना चाहिए, मतलब टॉप पे मतलब जाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ जाना चाहिए। टॉप पे चढ़ चढ़ के बड़े हुए हो ना हमें टॉप पे। देखें जब बंदा वो होता है ना इस तरह का, थोड़ा सा थक जाता है और इस तरह, फिर वो बंदा ना हर किसी को जलील करने जाते हैं। तो बस अब आ गए हैं तो चले जाते हैं यार, सीधी जो बात है, तो थोड़ी रश कर करके जाते हैं लेकिन चले जाते हैं ना। जाएंगे ये शादी का टाइम हो रही, बाहर आ जाओ ना, चलिए वो क्या बोलते हैं उसको, वो मूवीज में होते हैं ना इस तरह के ज़ॉम्बीज़ बन के घूमते हैं। जा रहे हैं फिर नीचे, अब जा रहे हैं है। ओके जी प्लान फेल हो गया हम लोगों का, बॉयज नहीं थे रेडी, हेलो बॉयज रेडी नहीं थे, बॉयज एक बॉय जो था वो उसमें वो गया था। सब हम लोग निकलते हैं, चलें जी करें जी, ये चढ़ते हैं हेवी मैक्सिमम में जी, तो स्टार्ट कर दिए जी, हो गए चले क्लोज में आए, अगर आप दिखा सकें। आप बताएं यहाँ पे बड़ी वो कलाकारी जिसे कहते हैं ना, अच्छा वो वाली ये, तो ये अभी काफ़ी पुरानी होगी इस वजह से नज़र नहीं आ रही है, बाकी तेज़ अभी भी देख सकते हैं इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी है अभी। ये सर्टिफिकेट, सॉरी आर्टिफैक्ट बोल रहा हूँ, आर्टिफैक्ट के बारे में बोल रहा था कि इन लोगों के पास इस तरह की चीज़ें थी, मोर देन सेंचुरी से हो चुकी है लेकिन फिर भी अभी देखें यूज़ करने के काबिल अभी भी है, थोड़ा सा इस पर काम किया, रेस्टोरेशन अगर की जाए थोड़ी बहुत। अच्छा तो यार ये जो तलवार है पहली बात तो काफ़ी भारी है, और दूसरी बात ये कि यार ये सेंटीमेंट्स जुड़े होते हैं इन चीज़ों के साथ लोगों के, जो जिनकी होती हैं ये। अब इस तरह का एक अफसाना था, मुझे याद तो नहीं है किसने लिखा था, लेकिन उसमें भी एक बंदा होता है उसको अपने असले से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, मतलब ये तो होता है सुनत है एक तो, और इन चीज़ों से। तो जिस वक्त गवर्नमेंट आती है ब्रिटिश की, तो वो लोग इस चीज़ के ऊपर बैन लगा देते हैं, और वो जितना असला होता है आपने एक तो पहले उसके वो कराने होते थे, सर्टिफिकेट्स होते थे वो बनवाने होते थे, फिर कुछ अरसे के बाद उन्होंने जो ब्रिटिश राज था उन्होंने कहा कि आप लोग अब अपनी जितनी चीज़ें वो जमा करा दें। तो वो जो इसका मेन करेक्टर होता है स्टोरी का वो कोई खान होता है, इस तरह पठान टाइप होता है, तो बड़ा उसने अपना उस तरह बनाया होता है उसके कि मतलब हमारे ये चीज़ें हैं, मतलब असला उनके लिए काफ़ी होता है ना, इम्पोर्टेंस रखता है, तो वो जैसे उस जाके जमा करवाता है तो उसकी जो फीलिंग्स होती हैं इमोशंस होते हैं, मुझे वो याद आ गया इन चीज़ों को देख के कि ये भी क्या सेंटिमेंटल वैल्यू रखती होंगी, हमारे लिए तो ये एक पीस ऑफ मेटल ही है लेकिन इन लोगों के लिए जिनके ये होंगे उनके लिए तो काफ़ी यू नो प्राइसलेस चीज़ें हैं ये, तो यही बात है बस, दैट्स अबाउट इट आई हैव टू से ऑन दिस टॉपिक।